दर्द दिखा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सनक मल्ला का ताकत पूरे देश में फैल रहा है और कल 5,000 पुलिस बनारस में सरकार ने उतार दिया और अपने तरीके से कहीं ना कहीं सरकार अच्छा काम करके माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, हमेशा विचार है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो सबका विश्वास उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहा है। योगी जी को ये चीज़ समझने की आवश्यकता है, खास करके छोटे समाज के लोग, छोटे जाति के लोगों का अगर कुछ करना चाहते हैं, अपने पूर्वज को याद करना चाहते हैं तो उनको आज़ादी देना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया तो खैर उसका आज एनडीए की जो बैठक थी उसका बहिष्कार किया आपने मुकेश जी। एनडीए का बैठक इसलिए हमने किया कि हम सरकार के साथ सर इधर देख के सर नहीं है, लेकिन क्या है कि सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे हैं और मुझे लगता है कि जब हमारी बात बीजेपी पार्टी का बात नहीं माना जा रहा है तो ऐसे बैठक में जाके क्या मतलब है, कौन सा है क्या सरकार है हम लोगों का सर इधर देखिए सर कुछ नहीं है, कौन सी बात थी ऐसी, ये नाराजगी क्या थी जिसके आपने बैठक का बहिष्कार किया, वो कौन सी बात थी? समर्थन मिलेंगे या फिर बैठक का सरकार के साथ है, सरकार मजबूती से चलेंगे और कहीं पे कुछ भी नहीं रहने वाला है। बैठक में नहीं है, हम लोग अपना बैठक कर रहे हैं, आज विधानसभा हमने अटेंड किया, विधान परिषद अटेंड किया, सरकार के साथ है, सरकार में कोई कहीं पे कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रहे हैं। रहा कि एनडीए के बैठक में हम लोग नहीं गए हैं, क्योंकि एनडीए के बैठक का मतलब होता है कि एनडीए का बात रखा जाए, सुना जाए, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी या माजी जी हम सबको मिलकर सोचने की आवश्यकता है कि अगर एनडीए है तो एनडीए में एनडीए का विधायक का, एनडीए का नेता का बात रखा जाए, सुना जाए और उस हिसाब से सरकार चले। यूपी में जिस तरीके से यूपी में आपका अनादर हुआ उसकी वजह से आपने ये फैसला लिया क्या? बोलने से परहेज करेंगे मुकेश जी? नहीं नहीं देखिए मेरा कुछ नहीं, मैं वो योगी जी जो भी किए वो अपना किए हैं, बिहार में हमारा सरकार कम्फर्टेबल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है। लेकिन आप वहाँ गए थे, कुछ मूर्ति लगाने गए थे, किन की मूर्ति लगाने गए थे, किस बात का उनको बुरा लगा? नहीं वो सारे चीज तो सब क्लियर है ना। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।